हेलो एवरीवन, आज हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में। तो आइए देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का 1.09% जनजातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 0.6% है। 1967 में उत्तर प्रदेश की 5 जनजातियों भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को राष्ट्रपति के आदेशानुसार अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 में 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार एवं महीगिरी हैं। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में अगर इनको व्यवस्थित किया जाए तो गोंड 5,59,035, खरवार 1,60,676 तथा थारू 1,05,291 ये जनसंख्या इनकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी होगी, गोंड होगी, फिर दूसरे नंबर पे खरवार और फिर थारू हैं। 2 ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो वो कौन कौन से ज़िले हैं? वो 2 ज़िले हैं आपके जालौन और अयोध्या। तो जालौन और अयोध्या ज़िले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं थारू जनजाति की। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। ये कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीली चमड़ी, मतलब इनका शरीर का रंग पीला होता है। इनका मुख्य भोजन चावल है। दोपहर के भोजन को थारू लोग मिजनी और शाम के भोजन को बेरी कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दोपहर के भोजन को थारू लोग किस नाम से पुकारते हैं, मिजनी, और शाम के भोजन को बेरी बोलते हैं। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है और थारू जनजाति में बदला विवाह का भी प्रचलन पाया जाता है। बरहज नामक पर्व थारू जनजाति का प्रमुख पर्व होता है तथा दीपावली को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं। तो ये तो कई बार पूछा जा चुका है कि थारू या कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वो थारू जनजाति है। लेकिन थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है? बरहज है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बरहज नामक पर्व थारू जनजाति का प्रमुख पर्व होता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को लागू की गई थी और थारू जनजाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ज़िले में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि थारू जनजाति को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस जनपद में महाविद्यालय की स्थापना की गई है, तो उसका उत्तर होगा लखीमपुर खीरी। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ किस वंश से संबंधित हैं, किरात वंश से संबंधित हैं, कौन सा पर्व है, बरहज पर्व है, और महाविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, लखीमपुर खीरी ज़िले में। ठीक, अब आगे बात करते हैं जौनसारी जनजाति की। जौनसारी जनजाति के प्रमुख उत्सव जो हैं वो बिक्सु, पांचोई और दियाई हैं। तो बिक्सु, पांचोई और दियाई, ये ध्यान रखिएगा, जौनसारी जनजाति के प्रमुख उत्सव हैं। इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो अंडे कांडे, धुंडचा, जंगबाजी, धी, घोड़ो, झेला, घुमसु और रासो हैं। तो रासो अगर आपसे पूछा जाएगा किस जनजाति का नृत्य है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये जौनसारी का है और रास से इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रमुख नृत्य अंडे कांडे ध्यान रखिएगा, धुंडचा ध्यान रखिएगा, जंगबाजी और रासो, ये ध्यान रखिएगा इतना। बाकी अगर हो पाए तो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे अंडे कांडे हैं, धुंडचा है, जंगबाजी है, धी है, घोड़ो है, झेला, घुमसु और रासो हैं। तो ये जौनसारी जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। अब बात करते हैं बुक्सा या भोक्सा जनजाति को। इसको बुक्सा भी बोलते हैं और भोक्सा भी बोलते हैं। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति के लोग बिजनौर ज़िले में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनका संबंध राजपूत घराने से माना जाता है।
तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजाति राजपूत घराने से संबंधित है, तो कौन सी जनजाति होगी, वो बुक्सा होगी। ठीक, और इनमें सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। जैसे भारतीय समाज में स्तरीकरण होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसी प्रकार में बुक्सा जनजाति में भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। बोलचाल में ये हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, तो बुक्सा जनजाति करती है। और पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। अगर ये आपसे ये पूछ लिया जाए कि तखत पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो किस जनजाति में होता है, तो किस जनजाति में होगा, बुक्सा जनजाति में पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। 1983 और 84 में उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास योजना प्रारंभ की गई थी। अब बात करते हैं महीगिरी जनजाति की। महीगिरी जनजाति के लोग बिजनौर जिले में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी होती है या इस्लाम धर्म को मानती है, तो वो महीगिरी जनजाति होगी। और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली है, तो माँ से महीगिरी है और माँ से मछली भी है। आगे देखते हैं खरवार जनजाति। खरवार जनजाति मुख्यतः सोनभद्र ज़िले में पाई जाती हैं। इनका मूल निवास स्थान झारखंड का पलामू है। यह ध्यान रखिएगा, झारखंड के पलामू में जो है खरवार जनजाति का मूल निवास स्थान है। और इनकी प्रमुख उपजातियां हैं सूरजवंशी, पतवंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मौगती, मोझायाली, गोंजू और आर्मिया। आर्मिया अगर पूछा जाएगा कौन सी जनजाति का जो उपजाति है, तो खरवार की है। और इनके प्रमुख देवता देख लीजिए, बदहूस, बनसंती, दूल्हादेव, घमसान और गोरिया हैं। तो अगर आपसे दो चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे बदहूस है, दूल्हादेव और गोरिया, तो ये तीन जो है प्रमुख देवता किसके हैं, बदहूस, दूल्हादेव, गोरिया, ये खरवार के प्रमुख देवता हैं। और खरवार जनजाति का नृत्य क्या होता है, कर्मा। तो किसका नृत्य है, कर्मा, खरवार जनजाति का। आगे बात करते हैं अब प्रमुख अनुसूचित जनजाति कहाँ कहाँ और किस जिले में पाई जाती हैं। तो देखिए, जैसे गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड, तो ये आपका पाया जाता है, ये तराई रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। खरवार या खैरवार, ये सोनभद्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। सोनभद्र के अलावा देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में पाए जाते हैं। सहरिया, ये पूछा भी जा चुका है, सहरिया ललितपुर में पाया जाता है। पहरिया, सहरिया और पहरिया में कन्फ्यूज मत कीजिएगा, सहरिया ललितपुर है। पहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया या भुइया, ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। अगर आपसे मैच कराने के लिए पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, सहरिया ललितपुर है, पहरिया सोनभद्र है, और पहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया, भुइया, ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। पंखा या पानिका, ये जो है पंखा पानिका सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती हैं। और चेरा जनजाति आपकी जो है वो सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए